हेलो एवरीवन, माय किचन योर डिश में सभी को स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, चिकन करी। इस तरह से लाल दिखने वाले चिकन करी किसको पसंद नहीं आएगा। इस तरह से चिकन करी कैसे बनाते हैं आज हम जानेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले चिकन की ग्रेवी की तैयार करेंगे। यहाँ मैंने आधा नारियल को इस तरह से ग्राइंड करके लिया है। इसे देखिए, दरदरा इस तरह से पीस के तैयार कीजिए। इसे एक साइड में रख दीजिए। अभी हमने एक बड़ा नारियल को मिक्सी में एक कप पानी डाल के इस तरह से दूध निकालना है। ये पहला दूध होता है, इसे आप तैयार कीजिए। इसे आप एक साइड में रख दीजिए। फिर से वही नारियल को मिक्सी जार में लेना है, उसके अंदर 2 कप पानी मिला के इस तरह से ग्राइंड करके दूसरा दूध निकालना है। इस तरह के 3 आइटम पहले तैयार करके लेना है। इसके बाद 4 से 5 मीडियम साइज की कांदे को इस तरह से चॉप करके तैयार कीजिए। चलिए चिकन करी बनाना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने थिक बॉटम वाला बर्तन लिया है, इसके अंदर 5 टेबलस्पून नारियल का तेल मिलाया है। इसके साथ 3 टेबलस्पून गाय का घी भी मिलाऊंगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में चिकन करी की टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। देखिए, यहाँ मैंने दालचीनी डाली है, साथ में 5 छोटा-छोटा कांदे को इस तरह से बारीक काट के यहाँ फ्राई करूँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम रख दीजिए और कांदे को इस तरह से फ्राई कीजिए। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक कांदे को फ्राई करना है। इसमें क्या होता है, चिकन की ग्रेवी की टेस्ट भी बढ़ता है। तब तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस तरह से कांदे की कलर चेंज होने के बाद यहाँ मैंने चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। ये कुंदापुर शेट्टी मसाला, नाना मसाला भी बोलते हैं। इसे मैंगलोर स्टोर में आपको मिलेगा। देखिए, अभी इसे ऐड करना है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। थोड़ी सी फ्राई करने के बाद चिकन पीसेस को ऐड करना है। यह मैंने 2 kg बॉयलर चिकन लिया है। इसे आप 1-2 बार इस तरह से मसाले के साथ मिक्स कीजिए। गैस की फ्लेम को अभी लो टू मीडियम कर दीजिए और इसे 2 मिनट तक पकने दीजिए। हल्का सा पकने के बाद यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है। आप आपकी टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल सकते हैं। इस तरह से एक बार और मिक्स कीजिए और यहाँ मैंने दरदरा पीस के रखा हुआ कोकोनट मिलाऊंगी। देखिए, यहाँ पे मिलाया है। इसके साथ सेकेंड मिल्क यानी कि पतला दूध से दोबारा निकाला ना, वो दूध ऐड करके मिक्स करना है। इन मसालों के साथ चिकन को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकने दीजिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। ऊपर की फोड़नी के लिए यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन, 4-5 लवंग, इन दोनों चीजों को कूट के लिया है। इमली की एक छोटा सा टुकड़ा इस पर ऐड करना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए दोस्तों, 10 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने के बाद चिकन की ग्रेवी की कलर अपने आप रेड हो चुका है। अभी चिकन के पीसेस भी पक गया है। अभी मैंने दूसरा दूध, नारियल के दूसरा दूध तैयार किया ना, वो अभी ऐड करना है। इस तरह से मिक्स कीजिए और इसे 4-5 मिनट और पकने दीजिए। लहसुन और लौंग को पहले ही कूट के रखा था हमने। इसे आप 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के साथ फ्राई करके इसके ऊपर डाल दीजिए। दोस्तों, अभी करी की नया ट्विस्ट आया है। इस तरह से आप फोड़नी देने से चिकन की करी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देखने से पता चलता है ये करी कितनी स्वादिष्ट बनी है। पहले हम आंखों से खाते हैं, बाद में हम मुंह से खाते हैं। देखिए, आंख की सेटिस्फेक्शन सबसे पहली होती है। देखिए कितनी सुंदर बनी है करी। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। मसाला पाउडर आपको मैंगलोर स्टोर में जरूर मिलेगा।
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल स्वादिष्ट है। 100% स्वादिष्ट करी आप जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।